to what he's saying now. चूल्हा आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, इस गरीब को सुरक्षा देने का काम भी अलग अलग सुरक्षा की हमारी योजनाओं से किया है। देश का, पूरे देश का गरीब, आगे आगे चुनाव आए तब आप देखते जाइएगा, न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर का गरीब, पूरे देश का गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अटूट श्रद्धा का निर्माण हुआ है, ऐसा मैंने पूरे कैंपेन में फील किया है, अनुभव किया है। और एक्सचेंज जो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी यही एक बात निकल कर आती है, आप इसको कास्ट, रिलीजन, जाति, ये सब में से कोई चीज नहीं, एक ही कारण है, देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है। एक बार अपने इंस्टीट्यूशन का परिचय दे दीजिए अभी सबको, एक मिनट, पहले पीछे महुआ जी अगर तय कर सकती है तो हम लोगों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, नहीं संभावना छोड़ दीजिए ना, ओके। परिचय दे दीजिए एक बार। है जी, मेरे पास पर्याप्त काम है भैया, और मैं उत्तर प्रदेश का वाटर भी नहीं हूं। हिमांशु है जी, देखिए किसी को राष्ट्र विरोधी कहना आपके जितना सरल नहीं है मेरे लिए, मगर मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब लक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारा है, योजनाएं तो पहले भी बनती रही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, मगर गरीब की एंट्री बैंक में कराने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ऐसा लगा कि गरीबों का बहुत काम, बड़ा काम हो गया, मगर देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, वो बैंक अकाउंट देने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके कारण आज एक श्रद्धा बनी है। शौचालय, छोटी छोटी चीजें हैं मगर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते दिल्ली में रहकर कि गैस एक चूल्हे पर कंडा और टहनिया जलाकर कोई महिला खाना पकाती है, उसके घर में गैस पहुंचने से उसके पूरे परिवार में क्या चमत्कारिक परिवर्तन आता है, हमने तो उसको उत्तर प्रदेश में जमीन पर दिखा दिया। चलिए भैया बहुत हो गए, धन्यवाद भैया, और एक मिनट भी बाकी लोगों को पूछने दो, पूछना है तो एक, यस, परिचय दे दीजिए। हाँ जरा कोई शोर शराबा न करिए, सबको, सबका हाथ खत्म होने के बाद ही जाएंगे। हाँ जी, परिचय न, कोई अफसोस नहीं है, हम इस पंजाब की हमारी जो हार है उसको स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कैप्टन साहब को अभिनंदन भी दिया है और इस हार हमारी है उसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आप पीछे, एक सेकंड, एक पीछे, हाँ देखिए, पूरे यूपी चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे को दोनों ओर से उठाया गया, अखिलेश जी की और राहुल जी की एक भी सभा ऐसी नहीं थी जिसमें नोटबंदी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। मैंने भी अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाना चाहे तो, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में नोटबंदी का पक्ष यूपी की जनता के सामने रखा था और ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी। और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है इसके साथ देश की जनता और विशेषकर गरीब तबका जो है वो अपने आप को, वो फैसले के साथ अपने आप को जोड़ता है।
न्यूज नेशन से श्री अशोक सिंह। हमने बताया हमारा चुनावी घोषणा पत्र एक सर्वस्पर्शीय विकास का एक दस्तावेज है, आप वो घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शीय विकास कैसा होता है वो हमारे घोषणा पत्र में हमने पहले से ही किया है, और इसीलिए हमने घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र नाम दिया है। 5 साल में हम इसको पूरा कर यूपी की जनता ने जो भरोसा रखा है उस पर हम शत प्रतिशत सिद्ध होंगे। अशोक सिंघल जी, अशोक जी एक बार फिर उसके बाद आप। नहीं, पहला काम ऐसा शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर हम इनकी तरह उनको बख्शेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब तक अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पुलिस अपना काम करेगी। आप ये एक बार ये बीच में पहले फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ, अरे सब साइमल्टेनियसली चलता है, एक के बाद एक नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के काम साइमल्टेनियसली चलते हैं भैया जी। मैं जाता ही हूं, परसों ही आया। संजय शर्मा इंडिया न्यूज से। नहीं, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना और मोदी जी का चेहरा दो अलग चीजें हैं। मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है भाई, और स्वाभाविक रूप से जब हम चुनाव में जाते हैं तो मोदी जी का चेहरा रहता ही है। रविंदर जी इसके बाद। अरे हम ही तय करेंगे ना, और कौन तय करेगा? हमारी पार्टी का प्रत्याशी तो हम ही तय करेंगे भाई। आप नहीं, वो ठीक है, सबको अपनी अपना रणनीति चुनाव का बनाने का अधिकार है, ऑपोजिशन को भी है, हमें भी है। मैं प्रयासरत हूं भाई, 2014 से जब से अध्यक्ष बना तब से, और एक सेकंड, सर्दर्न स्टेट में हमारी पोजीशन हमने काफी इंप्रूव करी है। आप वोटिंग पैटर्न देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। पीछे एक बार, पीछे वो एक बार पूछ रहा है। देखिए, मैंने जो पूरे देश को प्रभावित करेगा वो राजनीति की दिशा उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तित करेगा। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से, पॉलिटिक्स से अब देश की राजनीति मुक्त होकर डेवलपमेंट की राजनीति की ओर जाएगी, और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा लिया है उसको हम आगे बढ़ाएं। पीछे उधर पीछे एक बार पीछे पूछ ले, फिर आप पूछ ले जी। पहली कैबिनेट में करेंगे। संतोष इंडिया टुडे से। मैं नहीं करता चेहरों पे बात। ऐसा नहीं है, कई बार सीएम प्रोजेक्ट करके जी, आपका ज्ञान अधूरा है जरा। अरे क्या बताते हो, मैं बताता हूं, हम 3 चुनाव मोदी जी को प्रोजेक्ट करके जीते, हम वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करके जीते। सुनो भाई, सुनो ना, सुनो तो आप बोलते ही रहोगे। आसाम में सर्वानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट कर जीते, मध्य प्रदेश में क्या क्या सवाल लेकर आते हो भाई। अनुराग आप बिल्कुल सुधारेंगे भैया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अर्थ ही यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा जी। अनुराग
वो आप नए मुख्यमंत्री जी को पूछना, थोड़ा धैर्य रखो। आप पूछना चाह रहे हैं जी? भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे साझा नहीं किया जा सकता। दोनों संयुक्त होली दिवाली एक ही दिन हो जाएगा। पीछे, सबसे पीछे। हाँ जी, एक घंटा ऐसा नहीं कहा, जरूर करेंगे इसको, नहीं मगर जरूर करेंगे। नहीं वो तो स्वाभाविक है, ये इतनी बड़ी जीत है तो राज्यसभा में हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद सत्र में तो हम हमेशा अपील करते हैं विपक्ष को कि चर्चा का वातावरण बनाए, चर्चा करने के लिए आगे आए। क्या विकास के एजेंडा क्या? देखिए जहां तक मोदी जी के प्रचार का सवाल है, वाराणसी में जो लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री भी है, मगर जब इतना बड़ा चुनाव चल रहा हो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को मिले, उसमें मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई पड़ती है। और उनको मिलना भी चाहिए और उन्होंने मिला है। पार्टी ने जो उनका प्रवास का कार्यक्रम बनाया था, उन्होंने स्वयं पार्टी से कहकर अपना कार्यक्रम चेंज कराकर वाराणसी की सीट पर सबसे मिल पाई इस तरह से कार्यक्रम को बदलवाया था। और मैं मानता हूँ